सतनाम शिवाहे गुरु नमस्कार, मैं हूँ सुरति और आप देख रहे हैं धार्मिक मान्यताओं और खबरों से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम आराधना। कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। सच्ची भक्ति बड़ी से बड़ी बाधा और कष्टों को दूर करती है। आज हम आपको आराधना में बताएंगे कुछ ऐसे ही खास महा उपाय जिन्हें अपनाकर आप भी बना सकते हैं अपना जीवन धन्य। लेकिन पहले देखते हैं आराधना के आज के एपिसोड में क्या है खास। आज है जया एकादशी व्रत। विधिवत विष्णु स्वरूप शालिग्राम की आराधना से कट जाएंगे जीवन के सारे पाप। 5 फरवरी को है मिलादुल नबी यानी 12 वफात। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाता है ये दिन। जानिए शनिदेव को मनाने के 25 महा उपाय जिनके असर से होगी आपकी जिंदगी खुशहाल। और सूर्य देव की आराधना का जीवन में मिलता है विशेष फल। अच्छे स्वास्थ्य के साथ मिलती है शनि कोप से मुक्ति। आराधना की शुरुआत करते हैं एकमात्र प्रत्यक्ष देव सूर्य भगवान की आराधना के साथ। कहा जाता है दिन रहते कभी भी सूर्य की आराधना करने से न सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य मिलता है बल्कि शनि की कृपा भी पाई जा सकती है। तुम सब
शोक दुख हरता सकल प्रभा करता निखिल चराचर भरता निखिल चराचर भरता तेज पुंज धरता सूर्य देव की आरती जो कोई नर गावे न्यायप्रिय देवता है शनि, कर्मों का फल देते हैं शनि। शनि अगर नाराज हुए तो दूभर हो जाती है जिंदगी, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अच्छे कर्मों और सच्चाई के जरिए शनि को मनाया जा सकता है। आज हम आपको बताने वाले हैं शनि को मनाने के 25 ऐसे महा उपाय जिससे आप पर बरसेगी शनि की कृपा। न्यायप्रिय देवता शनि देते हैं शुभ फल, लेकिन शनि देव को मनाना उतना ही मुश्किल है। आज आपको बताते हैं 25 ऐसे अचूक और महा उपाय जिन्हें अपना कर आप जिंदगी से शनि के बुरे प्रभावों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। 45 दिनों तक लगातार कौवों को दही रोटी खिलाएं, कम से कम 9 शनिवार गरीबों को भोजन कराएं, किसी मंदिर में 10 बादाम लेकर जाएं, 5 बादाम मंदिर में चढ़ाएं, बचे हुए 5 बादाम घर पर लाकर किसी विशेष स्थान पर रख दें, लोहे की 2 गोलियां लेकर आएं, 1 नदी में प्रवाहित करें और दूसरी गोली हमेशा अपने पास रखें, घर के नौकरों धोबी और ड्राइवर के साथ अच्छा व्यवहार करें। शनि गरीब व्यक्तियों की सेवा करने पर प्रसन्न होते हैं। हर शनिवार को व्रत करें, शुभ मुहूर्त में शनि कवच पहने, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, भोजन में तिल से बनी चीजें जरूर खाएं, शनि से संबंधित दान या उपहार बिल्कुल न लें, हर रोज शनिदेव को काले या नीले रंग के फूल जरूर चढ़ाएं, कम से कम 7 शनिवार 1 नारियल नदी में प्रवाहित करें, घर में पुरानी लकड़ी और कोयला बिल्कुल न रखें, शनिवार को जमीन में काजल की टिप्पी दबाएं, किसी सूखे कुएं में हर शनिवार दूध डालें, शनिवार को काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं, ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल देते हैं। शनिश्चरी अमावस्या पर नदी में स्नान करने से लाभ मिलता है। काले घोड़े की नाल से बना छल्ला या अंगूठी सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें, किसी बर्तन में तेल भरकर अपना चेहरा उसमें देखें, उसके बाद तेल का दान कर दें, राहु और केतु की लोहे की मूर्तियां लेकर आएं और उनकी पूजा करें, पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा करें, पूजा में काले तिल, काला कपड़ा, काले फूल और काले चंदन लें, पीपल की 7 परिक्रमा करें और कच्चा धागा लपेटें, लोहे के कटोरे में तेल भरकर काले तिल और काली चीजों के साथ दान करें, काला कपड़ा, काले रंग की गाय, काली बकरी और लोहे के बर्तन दान करें, हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करें। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पूरे ब्रह्मांड को 360 डिग्री में बांटा गया है, जिसे 12 राशियों में बराबर बांटने पर हर राशि 30 डिग्री में बटती है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों में शनि भी एक ग्रह है, जिसे सबसे धीमे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शनि को 30 डिग्री की एक राशि को पार करने में 2.5 साल का वक्त लगता है। यही 2.5 साल हर राशि पर अहिया के अलग अलग असर के रूप में दिखता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को अनिष्टकारी ग्रह माना गया है, लेकिन सच्चे मन से की गई आराधना हम पर शनि की कृपा बरसा सकती है। तो आप भी इस शनि अमावस्या पर कीजिए शनि देव की आराधना, पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। आज है जया एकादशी, इसे भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन विष्णु आराधना का विशेष महत्व है, साथ ही
शुक्रवार का दिन होने की वजह से इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। आज की शाम विष्णु आराधना करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया अजा तथा भीष्म एकादशी भी कहते हैं। इस बार यह एकादशी शुक्रवार को होने से इसकी महत्ता और ज्यादा हो गई है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की उपासना की शुभ घड़ी मानी जाती है। शुक्रवार को देवी उपासना के दिन के साथ एकादशी का संयोग बन रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि जहां भगवान विष्णु की कृपा होती है वहां लक्ष्मी भी वास करने लगती हैं। इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु स्वरूप श्री शालग्राम पूजा सुख समृद्धि शांति व लक्ष्मी कृपा देने वाली होती है। जया एकादशी के दिन विधिवत विष्णु स्वरूप शालिग्राम की आराधना से जीवन के सारे पाप कट सकते हैं। साथ ही विष्णु प्रिया लक्ष्मी की कृपा से सुख शांति और संपन्नता का वरदान साधक को मिलता है। जया एकादशी के दिन शाम को स्नान कर विष्णु रूप शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध दही शहद घी और शक्कर का मिश्रण करें। पंचामृत के बाद केसर मिले चंदन जल से शालिग्राम जी को स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान शालिग्राम की गंध सफेद तिल फूल तुलसी पत्र एवं वस्त्र से पूजा करें। पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। प्रणवेन च लक्ष्म्यो वै गायत्री च गदाधरः शालग्राम निवासी च शालग्रामस्थ थैव च जलशायी योगशायी शेषशायी कुशेशयः मही भर्ता च कार्यम च कारणम पृथ्वीधरः। उसके बाद भगवान शालिग्राम की आरती धूप और घी के दीप जलाकर करें। अंत में शालिग्राम को स्नान कराएं और चरणामृत जरूर ग्रहण करें। इससे न केवल तीर्थ जल के समान पुण्य मिलता है बल्कि सुख समृद्धि भी आती है। तो आप भी जया एकादशी के पावन दिन कीजिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न और बना लीजिए अपने सभी बिगड़े काम। धार्मिक खबरों के पहले बुलेटिन आराधना को शुरू करने के पीछे हमारा मकसद ये है कि आपको हर धर्म हर मजहब से जुड़ी सारी खबरें सारी जानकारियां मिल सके ताकि आप घर बैठे बैठे ही आस्था और भक्ति के सागर में गोते लगा सके। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं धार्मिक खबरों की दुनिया में। हरिद्वार के दो मंदिरों के लिए राज्य विधि आयोग ने टेंपल एक्ट बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस बिल के ड्राफ्ट को पास करने के लिए सरकार को सौंपा जा चुका है। एक्ट के लागू होने पर मंदिर सरकारी नियंत्रण में आ जाएंगे। इस एक्ट में माता मनसा देवी और माता चंडी देवी मंदिर को लेने की योजना है। मंदिरों की व्यवस्था को हर स्तर पर अच्छा बनाने और मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए इस ड्राफ्ट को लाया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिरों की संपत्ति और उससे होने वाली आमदनी खर्च पर भी सरकार की निगाह रहेगी। इस ड्राफ्ट में धार्मिक आस्था से जुड़े मंदिरों के पुजारियों और परंपरागत ढंग से चली आ रही व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ड्राफ्ट में कमिश्नर गढ़वाल मंडल की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय बोर्ड गठित किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी उत्तराखंड के 4 धामों के अलावा दूसरे किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर को अब तक एक्ट का सुरक्षा कवर नहीं मिला है। राज्य विधि आयोग की ओर से तैयार टेंपल एक्ट के ड्राफ्ट पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में विरोध होने लगा है। मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के पदाधिकारियों ने एक्ट के ड्राफ्ट को गलत बताया है जबकि ड्राफ्ट को लेकर संत समाज ने जल्द ही बैठक करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि इस एक्ट के लागू होते ही हरिद्वार की मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर सरकारी नियंत्रण में आ जाएंगे। एक्ट के विरोध में दोनों मंदिरों की समिति और साधु संत लामबंद हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस एक्ट की आड़ में मंदिरों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं। आने वाली 20 फरवरी को हर साल की तरह शिवरात्रि का समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। यहां की परंपरा के अनुसार शिवरात्रि मेला कमेटी ने महोत्सव में भाग लेने के लिए मंडी रियासत के 215 देवी देवताओं को न्योता भेजा है। मेला कमेटी ने सबसे पहले आराध्य श्री देव कमरुनाग को निमंत्रण भेजा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर 20 फरवरी को आराध्य देव कमरुनाग मंडी पहुंचेंगे।
देश के तमाम हिस्सों में मिलादुल नबी को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस मौके पर देश भर की मस्जिदों में नमाजें अदा की जाएंगी और जुलूस से मोहम्मदी निकाला जाएगा। मिलादुल नबी को पैगंबर साहब के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। इस बार इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मिलादुल नबी 5 फरवरी यानी इतवार को मनाया जाएगा। आज श्रद्धा से मनाया जा रहा है एकादशी का पवित्र व्रत। धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु के स्वरूप श्री शालिग्राम की पूजा की जाती है। कहते हैं एकादशी के दिन विधि विधान से की गई पूजा और व्रत से लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया अजा या भीष्म एकादशी भी कहते हैं। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक खुशियों का पर्व मिलाद उल नबी यानी 12 वफात 5 फरवरी को है। मिलाद उल नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाता है। तो आइए आराधना में जानते हैं कि खुशियों के इस पर्व का आखिरकार क्या है महत्व। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی میلاد النبی یعنی 12 وفات خوشیوں کا پرو میلاد النبی پیغمبر حضرت محمد صاحب کے جنم دن کی خوشی کے روپ میں منایا جاتا ہے خود انہی کو پکارے سن 570 ईस्वी को अप्रैल के महीने में अल्लाह के सबसे प्यारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस बार इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक खुशियों का त्यौहार मिलादुल नबी पूरी दुनिया में 5 फरवरी को मनाया जाएगा। मिलादुल नबी का मतलब यह है कि नबी की पैदाइश का दिन, नबी की पैदाइश के मौके पर मनाया जाने वाला त्यौहार ईद मिलादुल नबी कहा जाता है। कहते हैं जब हजरत साहब का जन्म हुआ उस समय अरब देश की सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं था, कबीले के लोग आपस में लड़ते रहते थे जिसमें हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। हर तरफ बुराइयां पनपने लगी थी, लोगों में आपसी भाईचारा और प्यार मोहब्बत का नामो निशान मिट चुका था। तब इन बुराइयों को खत्म करने के लिए अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद साहब से पहल करवाई। उस वक्त का माहौल अल्फाज में बयान नहीं कर सकते क्योंकि आप यूं समझ लीजिए कि कोई भी अच्छी बात नहीं थी जो उस दौर में हो। शराब, सूद, ब्याज, जुल्म, तशद्दुद, चोरी, एक दूसरे पर अत्याचार, एक दूसरे के हक तल्फी करना, औरतों के साथ नाइंसाफी करना, लड़कियों के पैदा होने पर लड़कियों को जिंदा दफन कर देना, ये ऐसी ऐसी बुराइयां थी जिनको सोचकर भी आज हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उन तमाम बुराइयों को मिटाने के लिए अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। जन्म के पहले ही हजरत साहब के पिता का इंतकाल हो गया था और जब वो जवान हुए तो सबसे पहले उन्होंने अरब की बिगड़ती सामाजिक स्थिति सुधारने का जिम्मा ले लिया। सबसे खास पहल उन्होंने अपने से 15 साल बड़ी बेवा बीवी खदीजा से शादी की। उस वक्त के माहौल में ये एक बड़ी बात थी क्योंकि तब बेवा औरतों की आवाम में कोई इज्जत नहीं थी और हजरत मोहम्मद साहब की इस पहल से हर तरफ एक पैगाम गया कि आवाम में सुधार लाने के लिए हर हाल में बेवा औरतों को भी इज्जत मिलनी चाहिए। अल्लाह ने तमाम दुनिया, तमाम इंसानियत की हिदायत के लिए अपने पैगंबर भेजे जिन्होंने अल्लाह का नूर फैलाया, जिन्होंने सबको हिदायत अता की। पैगंबर साहब के पैगाम सारी दुनिया के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है क्योंकि इन पैगामों पर जिसने अमल कर लिया वो अल्लाह का सबसे नेक बंदा बन गया। नहीं करते इसीलिए इस बार मिलादुल नबी के त्यौहार की खुशियां तभी सही मायने में मुकम्मल मानी जाएगी जब हम और आप सभी हजरत मोहम्मद साहब के दिए गए पैगामों पर सही तरीके और सही मायने में अमल करें। मोहम्मद है या
होगा अहमद का रुतबा न कम देखिए, ताबत भी खुदा की कसम देखिए। कहते हैं शनि चालीसा के पाठ से भी शनिदेव की कृपा पाई जा सकती है। आराधना में चलते चलते करते हैं शनिदेव की विशेष आराधना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, तेरी दृष्टि भ्रुकुटी बिकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हियमाल मुक्तन मणि दमके। कर्मि गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे हरि संहारा। पिंगल कृष्ण छाया नंदन, यम कोण रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दशनामा, भानु पुत्र पूजही सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न में जाही, रंग उराव करे क्षण माही। पर्वत हो तृण हो निहारत, तृण हो गो पर्वत करी डारत। राज मिलत बन राम ही दीनु, के कहियूं की मति हरि लीनु। बन हूँ में मृग कपट दिखाई, मातु जान की गई चतुराई। लखन ही शक्ति विकल करी डारा, मचिगा दल में हाहा तारा। रावण की गतिमती बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगली के हारा। हार नौ लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेल ही घर को लू चलवायो। विनय राग दीपक महकीनो, तब प्रसन्न प्रभु मैं सुख दीनो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, पाप हूँ भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नब उड़ी गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी,
बची द्रौपदी होती उघारी, कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करी डार्यो। रवि कह मुख महधरी तत्काला, लेकर कूजी पर्यो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। सतनाम की बाहें गुरु